हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग गपशप। माशाल्लाह पहले ना बकरे का कलर देख लो, मेरे को ना कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। तो यार तारीफ तो मुंह से निकल ही जाती है, बेशक देखो अल्लाह ताला की बनाई कुदरत है, ठीक है, तो तारीफ तो निकलती है। और माशाल्लाह अच्छी चीज़ है, कोशिश करता हूँ अच्छे ही बकरे लाऊँ आपके लिए भाई। मतलब ऐसे नहीं कोई से बकरे उठाए और डाल दिए वीडियो पर, नहीं, हमेशा कोशिश करता हूँ कि पालने वाले इतनी मेहनत करेंगे, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो बनना ना बनना अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन ये कोशिश मेरी ये रहती है कि हमेशा अच्छे से अच्छे बकरे अच्छी क्वालिटी के ला के आपको दिखाऊं, ठीक है। बाकी लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है, और बनना नहीं बनना अल्लाह के ऊपर है। मेरा काम है एक आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी दिखाऊं। ना अब हम लोग इसकी डिटेल पर बात करते हैं दोस्तों। और एक चीज़ बताऊँ, मैंने भी माशाल्लाह एक बहुत अच्छा बच्चा लिया हूँ, ठीक है, दिखाऊंगा उसको वीडियो आजकल में, अल्लाह बंदर से बचाए, आप लोगों की दुआ लेने के लिए उसको भी वीडियो दिखाऊंगा माशाल्लाह। ये बच्चे की हम लोग बात करते हैं, माशाल्लाह ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, कलर वगैरह का लाजवाब बच्चा है, मुझे कलर इसका बहुत अच्छा लगा। सिक्के वगैरह भी स्ट्रेट है, खड़े सिक्के माशाल्लाह अच्छे, पूँछ भी माशाल्लाह अच्छी है, पैर भी अच्छे हैं। और अभी ये बच्चा जो है माशाल्लाह 25 kg अप्रॉक्स है, इकराम भाई का बकरा है, जयपुर में अवेलेबल है। उन्होंने बोला रुमान भाई चराऊ बच्चा है, खाने पीने में अच्छा बच्चा है, ठीक है, और पूरा जो माँ का जो दूध पी के आए हुए बच्चे रहते ना उसके बाद फिर चरने वाला बच्चा बनाइए, ठीक है। तो माशाल्लाह इसका फाउंडेशन बेसिकली से अच्छा है, तो उम्मीद है कि बच्चा अच्छा बनेगा। बाकी यस, आप भी अपनी आँखों से अपने एक्सपीरियंस से देख लेना बच्चा चला फिरा के, वीडियो कॉल करके जिस भी तरीके से अगर लेना हो इकराम भाई से, आप पूरी तरीके से हर चीज़ चेक करके आगे की डील करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।